हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। ऑल इंडिया की जो है काउंसलिंग 2024 जो चल रही है, उसका फर्स्ट राउंड का आखिरकार रिजल्ट भी आ गया है और रिजल्ट में साफ साफ क्लियर हो गया है कि एम्स का कट ऑफ इस बार कितना कितना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एम्स का जो है लास्ट कट ऑफ कितने ऑल इंडिया रैंक पर है और साथ में जो है किस कैटेगरी में, किस एम्स में जो है लास्ट कट ऑफ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो है पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार जो स्कोर है हाईएस्ट स्कोर पर आपका जो है एम्स मिल रहे हैं। और साथ में जो है इस बार ये देखा गया है कि जो एम्स हैं उनकी रैंकिंग में भी उतार चढ़ाव आया है। कुछ एम्स जो है उनकी रैंकिंग बहुत हाई जा रही है, जो कि जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले हमें मिल जाएगा, अब वो भी मिलना उन्हें मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं आखिर की फर्स्ट राउंड में जो है कितना कट ऑफ एम्स का गया है और अगले राउंड में कितना जा सकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इस बार जो एम्स में कट ऑफ गया है, एम्स में अगर शुरुआत बात करें, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे दिल्ली से। तो जो अपना दिल्ली एम्स है, इस तरह आपके सारे एम्स के नाम लिखे हुए हैं जो इस बार हैं। इस बार आपके 20 एम्स पार्टिसिपेट किए हैं काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में। और आपका जो फर्स्ट एम्स है आपका दिल्ली एम्स, उसको हम बच्चे चाहते हैं, सभी बच्चे चाहते हैं कि हमें दिल्ली एम्स में जाना है। तो उनके लिए जाना कितना पॉसिबल है वो देखते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो जिनकी ऑल इंडिया रैंक 47 थी, सिर्फ उनको जो है इस बार दिल्ली एम्स मिला है। और EWS में अगर बात करें तो ये है 214 जिनकी ऑल इंडिया रैंक है। ये सारी ऑल इंडिया रैंक्स लिखी हुई हैं, तो इतनी ऑल इंडिया रैंक्स पर जो है दिल्ली एम्स EWS में मिला है। OBC में अगर बात करें तो 186 पर मिला है। SC कैटेगरी में वही जो है 647 लास्ट है जिस पर ऑल इंडिया रैंक में दिल्ली एम्स उनको मिला है। ठीक है, इसके बाद जो ST कैटेगरी में थोड़ा सा इसमें और रिलैक्सेशन हुआ, तो 1150 जो है इतने पर लास्ट ऑल इंडिया रैंक पर दिल्ली एम्स मिला है। इसके बाद अगर बात करें जोधपुर भोपाल, तो भोपाल एम्स में जो है 510 जनरल कैटेगरी में रहा है। और EWS अगर बात करें तो इसका जस्ट डबल आपका 1013 ऑल इंडिया रैंक पर जिनकी भी थी उन्हें EWS कैटेगरी में आपका भोपाल एम्स मिला है। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज का सेम इसी तरह ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई है। और आपके जो है पटना एम्स जो है, पटना एम्स का पहले कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता था, इस बार थोड़ा सा रैंक में नीचे आया है इसका जनरल कैटेगरी में 1297 पर। इसका थोड़ा पिछले साल कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा आई है। पिछले साल ये 800-900 के आसपास में एंड हो गया था, इस बार 1297 उसका लास्ट जनरल कैटेगरी में उसे पटना एम्स मिला है, जो लास्ट आपका जनरल कैटेगरी से है। एंड इसके बाद अगर बात करें हमारे बाकी एम्स में, बाकी एम्स कौन कौन से हैं, तो बठिंडा एम्स में अगर देखें, बठिंडा एम्स का जनरल कैटेगरी में 1589 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट बठिंडा एम्स जिसको मिला है जनरल कैटेगरी से। फिर EWS में अगर बात करें तो EWS में कितना है, तो 3603 पर लास्ट बठिंडा एम्स मिला है। और ST/ST में जो है लगभग 16000 और 40000 पर ये कट ऑफ जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो ये सारे एम्स जो है फर्स्ट राउंड में है, डेफिनेटली जो है अगले राउंड में इनसे थोड़ी सी रैंकिंग जो है लगभग 1000 के या 2000 के अप्रॉक्स जो है नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। ये सारे एम्स जो है लगभग 2000 एम्स नीचे तक जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बठिंडा एम्स अगर 1500 पर अगर मिला है तो लगभग 200 और नीचे जाएगा, लगभग 200 मतलब 1700-1800 तक इसमें अगर कट ऑफ रहने की संभावना है सेकेंड राउंड में। फिर इसके बाद अगर देखें मंगलगिरी एम्स है, राजकोट एम्स है, गोरखपुर का एम्स है, उन सबके जो है ऑल इंडिया रैंक्स लिखे हुए हैं जिन पर लास्ट इस बार एम्स मिला है। मतलब अगर आप जो इस बार काउंसलिंग कर रहे हैं अगर उनकी इसके अंडर में है तो डेफिनेटली आपको ये एम्स मिल सकते हैं। अगर किसी को इस बार मान लो बिलासपुर मिला है जो कि 2401 पर है, तो उसको डेफिनेटली जो है वीवी नगर या कल्याणी मिलने की पॉसिबिलिटी है कि उसे ये एम्स भी मिल सकते हैं जो ऊपर हैं। इसके साथ साथ आप इनमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि इनकी रैंकिंग की कि सबसे अच्छा जो है अपना दिल्ली एम्स तो है ही, उसके बाद जो सीक्वेंस लिखा है कि भाई किस एम्स में कितनी कट ऑफ की रैंकिंग जाती है, मतलब कौन ऊपर कौन नीचे रहता है, वो भी मैंने इसमें पूरा प्रॉपरली लिखा है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है इसमें एक चीज़ और देखी गई है, वो क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो जो बाकी एम्स हैं उनमें कट ऑफ कम ही जा रहा है। जैसे मदुरई का है, तो मदुरई एम्स जो है उसमें 4531 पर लास्ट जनरल कैटेगरी में मिला है जो भी स्टूडेंट है उसे। इसके बाद अगर जो है सेकंड राउंड में बात करें तो डेफिनेटली ये बाकी जो एम्स हैं इनमें बहुत सारा चेंजमेंट होगा और कट ऑफ नीचे जाएगा। तो अगर आप जो है इस साल जो काउंसलिंग कर रहे हैं तो फिर से जो है चॉइस फिलिंग में इन्हें फिल कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें नेक्स्ट राउंड में जो है एम्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहे। और इसके अलावा जो इस बार नीट देने वाले हैं 2025 में, तो उन बच्चों के लिए जो है दुख की बात रहेगी, थोड़ा उन्हें और हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि भाई जो एम्स उनके इच्छा के हैं
जो भी एम्स होने चाहिए, चाहे वो एम्स भोपाल हो या एम्स दिल्ली हो या एम्स ऋषिकेश हो या एम्स नागपुर हो, इनमें से कोई सा एम्स हो, तो उनका कट ऑफ इस बार वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रैंक उन्हें ऑल इंडिया में चाहिए, तभी उन्हें जो है एम्स मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर आई तो उन्हें एम्स की पॉसिबिलिटी कम है। तो डेफिनेटली आप अभी से जो है टारगेट लेकर वर्क कर सकते हैं कि हमें जो है ऑल इंडिया में इतनी रैंक तो कम से कम लानी ही होगी मिनिमम, जिससे कि हम अपने जो भी ड्रीम एम्स है, आपका कोई सा एम्स हो सकता है, कुछ लोग जो है घूमने फिरने के हिसाब से देखते हैं तो वो ऋषिकेश को देखते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई के हिसाब से देखते हैं तो डेफिनेटली वो आपका दिल्ली एम्स या भोपाल एम्स या जोधपुर एम्स की बात करते हैं। तो आप जो है इस पूरी लिस्ट से समझ सकते हैं कि हमारा जो है एम्स का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हमें हार्ड वर्क के साथ लगना पड़ेगा, तभी हम जो है अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एम्स में पहुँच सकते हैं। ओके, तो आप ये कट ऑफ को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी लगे रहिए, और जो लोग इस बार काउंसलिंग कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली जो है एक बार और सेकंड राउंड में ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली इनमें से अगर एक एम्स आपको मिला है तो उसके ऊपर वाला एम्स आपको मिल सकता है। ओके, अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन रहे तो वो भी आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं इसी वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और साथ में जो है जो सेकंड राउंड रहेगा, सेकंड राउंड का भी अपन जो है चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बनाएंगे कि आखिर एम्स का चॉइस फिलिंग का ऑर्डर सेकंड राउंड में क्या रखना चाहिए, और तभी हम जो है अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुँच सकते हैं। और जो लोग इस बार अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो सोच रहे थे कि हम दिल्ली एम्स में जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से उनका जो है दिल्ली एम्स का सपना टूट गया है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए है नीट मेंटोर की टीम जो है नीट मेंटोर लेकर आया है एक स्पेशल टेस्ट सीरीज जिसका नाम है रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, जिससे कि आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं और अगले साल नेक्स्ट ईयर जो नीट होने वाला है उसमें डेफिनेटली अपना जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, जो ड्रीम एम्स है, उसमें आप पहुँच सकते हैं। उसके लिए आप जल्द से जल्द जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप अगर इसमें जानना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में क्या क्या रहेगा, क्या क्या फीचर्स उसके रहेंगे, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपकी जो है जो रैंक है वो बूस्ट हो और अगले साल आप डेफिनेटली दिल्ली एम्स में हो। ओके, थैंक यू।